भोपाल की, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि निकायों के जनप्रतिनिधियों को सौगात दी है, जहां सभी के मानदेय में 20% बढ़ोतरी करने की बात यहां पर मुख्यमंत्री की ओर से कही गई है। महिला जनप्रतिनिधियों का 20% मानदेय बढ़ेगा, साथ ही महापौर का मानदेय अब 36,000 रुपए होगा। अध्यक्ष से लेकर पार्षदों तक का मानदेय बढ़ेगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं अब अध्यक्ष, पार्षद और महापौर के लिए काफी अच्छी खुशखबरी इसे कही जा सकती है, जहां मुख्यमंत्री की ओर से ये बड़ी घोषणा की है, जहां पर उन्होंने कहा कि सभी के मानदेय में 20% का इजाफा होगा। तो निकायों में जनप्रतिनिधियों की सौगात दी है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से। देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक के बाद एक मुख्यमंत्री कई बड़े ऐलान कर रहे हैं और इसके साथ ही कई बड़ी घोषणाएं यहां पर मुख्यमंत्री की ओर से की जा रही है, और इसी के तहत अब निकायों के जनप्रतिनिधियों के लिए ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से किया गया है। आज अपने इसी नगरीय निकाय के माध्यम से रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हमारी अपनी बहनों के जो भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, सबके मानदेय में 20% की वृद्धि की जाती है। इसके बाद अगले महीने से नगर पालिका निगम का, महापौर का मानदेय 22,000 से बढ़के 26,400 हो जाएगा। उपाध्यक्ष का मानदेय 18,000 से बढ़के 21,600 हो जाएगा। पार्षद का मानदेय 12,000 से बढ़कर नगर निगम में 14,400 प्रति माह हो जाएगा। तो चलिए इसी खबर पर जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, 20% मानदेय बढ़ाने की घोषणा यहाँ पर मुख्यमंत्री की ओर से की गई है, ऐसे में तमाम जो अध्यक्ष, पार्षद और महापौर हैं, उनमें किस प्रकार से खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, और ये जो बड़ी घोषणा की गई है इसके तहत राजस्व पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, स्वाभाविक है कि अभी हाल में लाडली बहना की एक बड़ी राशि सरकार ने स्थानांतरित की है महिलाओं के खाते में, जो सरकार की बड़ी योजना है, लेकिन 250 रुपए का उसमें इजाफा किया जी। लेकिन पूरे आप देखेंगे, चाहे वो लाडली बहनों की बात हो या आज के कार्यक्रम की बात भी हो, तो ऐसा लगता है कि आधी आबादी पर बहुत फोकस है भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर मोहन सरकार का, और उसी तरह बढ़ते दिखाई दे रही। जैसे वो बता रहे थे कि पहले जो 22,000 महापौर को मिलता था, अब 26,000 मिलने लगेगा, नगर पालिका उपाध्यक्ष 18 से 21 हो गया, नगर परिषद पार्षद का 12 से 14 हो गया, और नगर पालिका के अध्यक्ष को 6 से 7,200 कर दिया, उसका इजाफा हो गया। तो उपाध्यक्ष हो, पार्षद हो, तमाम लोगों के उसमें इजाफा किया गया। लेकिन निश्चित रूप से इससे पे एक बड़ा असर तो पड़ेगा, पर जब सरकार घोषणा करती है तो उसके पहले उसके प्रावधान भी नियत कर लेती है। यही नहीं, आप देखिए नगर पालिका कैसे अपने ऊपर खड़ी हो सके, अपने पैरों पर खड़ी हो सके, उसके लिए भी ये कहा गया है कि जो टैक्सेशन होता है, जो टैक्स लिया जाता है, जो सर्वाधिक टैक्स लेने वाली नगर पालिका या नगर परिषद होगी, जो अच्छा वसूल कर सकती है, उसके लिए 5 करोड़ अतिरिक्त दिया जाएगा। तो नगर पालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ सरकार का ध्यान दिखाई दे रहा है। लंबे समय से मांग की जा रही थी कि पार्षद, महापौर, इनका जो मानदेय है वो बढ़ाया जाए, तो सरकार ने आज उस पर मोहर लगा दी, और अगले ही महीने से इसका लाभ भी मिलने लगेगा। इसका मकसद ये भी समझा जा सकता है कि 2028 में भले वक्त हो, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहती है। डॉक्टर मोहन ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी सरकार जो है, जो कहती है वो करती है। जी बिल्कुल, और लंबे समय से मांग भी की जा रही थी और उसी मांग पर अब मोहर लगा दी गई है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मनोज जी, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।